नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपके साथ पर ज्योतिष, धर्म, ग्रह नक्षत्र आदि विषयों पर बात करता रहता हूँ। आज मैं आपके साथ एक अत्यधिक महत्वपूर्ण ग्रह के राशि परिवर्तन के बारे में बात करने जा रहा हूँ। क्या है ये परिवर्तन? ये परिवर्तन है देव गुरु बृहस्पति, उनका वृश्चिक से धनु राशि में प्रवेश, जो आज यानी 5 नवंबर को प्रातः 5:17 पे आरंभ हुआ और वो 20 दिसंबर 2020 तक चलेगा। परंतु मैं विशेषता जिस विषय पर बात कर रहा हूं वो क्या है, देव ग्रह बृहस्पति जब धनु में आए तो वहां पे पहले से ही केतु तथा शनि ग्रह स्थित है। ये दोनों ग्रह बृहस्पति के साथ धनु राशि में आएंगे। केतु की धनु राशि उच्च मानी जाती है और शनि धनु राशि में अशुभ नहीं इतने माने जाते हैं। परंतु इन तीनों ग्रहों का विचित्र एकत्रित होना और सामने राहु का होना, ऐसी ग्रह स्थिति पिछले लगभग 180 वर्ष में भी देखने को नहीं आई है। इसका असर देश पे अत्यधिक महत्वपूर्ण रूप से होने जा रहा है। हो क्या रहा है कि 24 जनवरी तक केतु गुरु, 5 नवंबर से केतु गुरु और शनि धनु राशि में रहेंगे और इस समय में एक और विचित्र समय आ रहा है जिसमें 15 दिसंबर से लेकर विशेष करके गुरु ग्रह अस्त हो जाएंगे। 16 दिसंबर से लेकर और 6 जनवरी तक गुरु अस्त रहेंगे सूर्य इनके साथ। 17 तारीख को सूर्य जो है 17 दिसंबर को सूर्य भी धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे, चौथे ग्रह हुए, और साथ ही गुरु जो है सूर्य के आने के कारण 16 दिसंबर को प्रातः 5:57 पे अस्त हो जाएंगे और 9 जनवरी 2020 6:33 तक अस्त रहेंगे, जबकि सूर्य जो है 15 जनवरी तक धनु में रहेंगे। तो चौथे ग्रह सूर्य आ गए लगातार। बुध जो है 25 दिसंबर से लेके 26 दिसंबर से लेके 13 जनवरी तक ये भी धनु में रहेंगे, ये पांचवें ग्रह हो। पांच ग्रहों का यानी कि बुध का, शनि का, केतु का, बृहस्पति और सूर्य का धनु राशि में होना सभी जातकों के लिए दुनिया में और विशेषकर भारत के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस समय में देश की आर्थिक व्यवस्था में बहुत बड़े परिवर्तनों के संकेत होंगे। बृहस्पति आज जब राशि बदल रहे हैं तो इसमें आप देखेंगे आज ही कुछ असर देखने को मिल चुके हैं। क्या है वो असर? वकीलों का जो कानून से बृहस्पति से मुख्यतः जुड़े हैं और पुलिस का जो कानून के ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करती है, दोनों का आपस में बड़े भिड़ंत होना। इसी समय में अचानक प्रदूषण जो था, जो 4 नवंबर तक दिल्ली NCR पूरे उत्तर भारत में अत्यधिक खराब था, बृहस्पति की राशि बदलते ही मिथुन राशि पे दृष्टि बड़ी, थोड़ी हवा ठीक हुई, शुरू हुआ प्रदूषण में सुधार शुरू। तीसरे, इसी समय में देश की अर्थव्यवस्था में थोड़ी उछल कूद के साथ में सुधार के संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। इसी समय में शेयर मार्केट थोड़ी सी ऊंची जाएगी, अस्थिरता के साथ आगे बढ़ती रहेगी और अस्थिरता का जो समय जैसे मैंने बताया 15 दिसंबर जब गुरु अस्त होंगे तब से लेके और शनि अस्त चलते 9 जनवरी तक गुरु अस्त है तथा 28 दिसंबर 30 जनवरी तक जो है 24 जनवरी तक शनि अस्त है। तो विशेष करके 15-16 दिसंबर से लेके 24 जनवरी तक अस्थिरता का दौर चलता रहेगा इकोनॉमी का, शेयर मार्केट का। तो सबसे बड़ी बात यह है इस समय में जब बृहस्पति, सूर्य, बुध, शनि और केतु अष्टम भाव में होंगे, इस समय जो राम मंदिर के आफ्टर फैक्शन जो रिजल्ट आ चुका होगा, जजमेंट आ चुकी है, उससे बड़े तनाव संवैधानिक संस्थाओं सरकार के बीच में तनाव, कुछ फैसले सरकार के विरुद्ध आने से सरकार में अस्थिरता, पाकिस्तान द्वारा देश में छेड़खानी बढ़ जाना, विशेष करके 25 दिसंबर को जैसे ही मंगल वृश्चिक राशि में जाएगा तो 25 दिसंबर से लेकर और 24 जनवरी तक भारी तनाव पाकिस्तान और भारत में हो सकता है, क्योंकि देश की कुंडली में जो शुक्र जो है ये
यद्यपि 15 दिसंबर तक तो धनु राशि में रहेगा, उसके बाद मकर में जाएगा, परंतु अन्य जो ग्रह हैं वो ग्रह बहुत अच्छे नहीं जा रहे। तो शेयर मार्केट हुआ, सट्टा हुआ, सोने की कीमत हुई, देश की भौगोलिक, लीगल और आर्थिक स्थिरता, सुरक्षा ये थोड़ी सी तनाव में रहेगी। समय बहुत अच्छा नहीं है, उसका एक कारण ये भी है 26 दिसंबर को होने वाला सूर्य ग्रहण, बड़ा सूर्य ग्रहण है जो पूरे देश को प्रभावित करने जा रहा है। सूर्य ग्रहण में हमेशा नॉर्थ ईस्ट के राज्यों दिल्ली, NCR और सेंट्रल गवर्नमेंट, इनमें बड़े परिवर्तन आते हैं। सूर्य ग्रहण के आसपास बड़े भूकंप आते हैं, और जब बृहस्पति अष्टम भाव में स्थिर होकर अस्त होगा तो सूर्य ग्रहण के आसपास पूरी दुनिया, विशेषकर भारत में भी कुछ 2-4 दिन आगे पीछे अर्थक्वेक्स के योग बन रहे हैं। इस प्रकार जो है बृहस्पति का जो ये 5 नवंबर से 24 जनवरी तक का समय है, उसमें भी 16 दिसंबर से 24 जनवरी अत्यधिक विचित्र समय है। खराब नहीं कहूँगा, परंतु देश की भौगोलिक, लीगल, आर्थिक सुरक्षा थोड़ी सी सवालों के घेरे में रहेगी। सरकार और न्याय व्यवस्था में आपस में बड़े तनाव हो सकते हैं, सरकार और संविधानिक व्यवस्था में तनाव हो सकते हैं, सरकार के काफी मंत्रालयों में बड़े परिवर्तन के संकेत इस समय में हो सकेंगे, परंतु देश के ऊपर थोड़ा सा तनाव रहेगा। अच्छी बात क्या है, शुक्र जो है 15 दिसंबर से जब मकर राशि में चले जाएगा तो देश को सुरक्षा प्रोवाइड कर देगा। धन्यवाद, नमस्कार।